दुनिया की सबसे लंबी उड़ान का मौजूदा रिकॉर्ड सिंगापुर एयरलाइंस के पास है, जो सिंगापुर और न्यूयॉर्क शहर के बीच उड़ान संचालित करती है। यह उड़ान लगभग 9,500 मील की दूरी तय करती है और इसमें लगभग 18 घंटे 45 मिनट लगते हैं। उड़ान एयरबस A350-900 ULR का उपयोग करके संचालित होती है। यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया विमान है, जो दुनिया के किसी भी अन्य वाणिज्यिक विमान से अधिक यात्रा कर सकता है। A350-900 ULR की रेंज 9,700 समुद्री मील तक है, जिससे सिंगापुर और न्यूयॉर्क शहर के बीच बिना रुके उड़ान भरना संभव हो जाता है। उड़ान चार पायलटों के चालक दल द्वारा संचालित की जाती है, जो उड़ान की अवधि के दौरान बारी बारी से उड़ान भरते हैं और आराम करते हैं। इस उड़ान के यात्री पूरी तरह से सपाट बिस्तर, रुचिकर भोजन और मनोरंजन के विभिन्न विकल्पों सहित कई प्रकार की सुविधाओं का आनंद लेते हैं। यात्रियों के आराम को सुनिश्चित करने के लिए A350-900 ULR के केबिन में सामान्य से कम ऊंचाई का दबाव बनाया जाता है, जो जेट लैग के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर और न्यूयॉर्क शहर के बीच नॉनस्टॉप उड़ानें प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन थी, जिसकी पहली उड़ान अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी। उड़ान व्यापार और अवकाश यात्रियों दोनों के साथ लोकप्रिय रही है, क्योंकि यह ठहराव की आवश्यकता को समाप्त करती है और यात्रियों को अपने गंतव्य पर अधिक तरोताजा महसूस करने की अनुमति देती है। दुनिया की सबसे लंबी उड़ान विमानन प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय प्रगति का एक प्रमाण है, और यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे एयरलाइंस दुनिया भर के यात्रियों के लिए उड़ान के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।